खनिज क्रिस्टल सेल के घनत्व, घनत्व बराबर घनत्व जो होता है वो सामान्यतः घनत्व जो होता होगा वो द्रव्यमान बटे आयतन को प्रदर्शित करता है। घनत्व तो क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे किसी क्रिस्टली घनी पदार्थ में आयन उसका घनत्व तो देखना होता है। तो किसी भी कण में जैसे हम लोग एस सी सी बी सी सी और एफ सी सी, तो जिसमें किसी भी घनत्व तो में जितने क्रिस्टल में जितने घनों कणों की संख्या जितनी अधिक होती है उसका घनत्व तो उतना ही अधिक मान होता है, घनत्व तो जो है उसका उतना ही उच्च होगा। किसी भी क्रिस्टल में कणों की संख्या जितनी अधिक होती है उसका घनत्व तो उतना ही अधिक होता है। तो घनत्व तो के लिए इसमें एक सूत्र है, इसमें जेड गुणे एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए होता है, जिसमें जेड जो होता है वो आप क्रिस्टली घनी सेलों में कणों की संख्या होता है, कणों की संख्या एस सी सी बराबर एक होता है और बी सी सी बराबर दो होता है और एफ सी सी बराबर चार होता है। ये कण जैसे हम लोग निकालते हैं एस सी सी बी सी सी एफ सी सी का, जैसा कि पहले निकाले हैं ठीक उसी के आधार पर ये दिखाया जाता है। और एवोगैड्रो संख्या होता है ये 6.NA बराबर एवोगैड्रो संख्या जो 6.023 गुणे 10^23 होता है। और यम बराबर अणु भार होता है और क्या बचा, ये जो होता है कोर की लंबाई होती है। अब इसमें ये क्या है, कण की संख्या होगा, कण की संख्या ये है अणु भार, अणु भार या परमाणु भार, यौगिक है तो अणु भार रहेगा और अगर कोई धातु है तो वह परमाणु भार रहेगा। और ये जो है, कोर की लंबाई होती है, कोर की लंबाई तो उसका आकोर का मतलब घन का आयतन है और यह है एवोगैड्रो संख्या। तो इसके द्वारा हम लोग निकालते हैं कणों की घनत्व। इसमें सूत्र में क्या है, घनत्व बराबर क्रिस्टल में क्रिस्टल घन में कणों की संख्या गुणे अणु भार बटे घन का आयतन या कोर की लंबाई पावर 3 इंटू एवोगैड्रो संख्या को प्रदर्शित करता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो घनत्व रो इक्वल टू जेड एम बाई ए क्यू इंटू एन ए पर आधारित है। इसमें घनत्व लेड लेड दो संयोजकता वाले लेड सल्फाइड की NaCl प्रकार की संरचना है। तो NaCl की संरचना जो होती है वो FCC होती है, FCC होती है। इसमें कुल कणों की संख्या 4 होती है। यदि PbS की इकाई सेल के कोर की लंबाई 5×10^-8 सेंटीमीटर है तो इसके घनत्व की गणना कीजिए। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले Z बराबर निकाल देते हैं, Z सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग, इसी का घनत्व रो बराबर NaCl से जेड मतलब कणों की संख्या जेड बराबर 4। FCC है मतलब लेड सल्फाइड की संरचना या FCC प्रकार की है, NaCl का प्रकार का है तो NaCl FCC होता है तो जेड बराबर ये आ गया। और अणु भार एम बराबर PbS है तो मतलब 207 प्लस 32 कर देंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 7 2 कितना हो जाएगा 9 3 2 मतलब बराबर 239 आ गया ये। और ए का मान दिया ही है, कोर की लंबाई बराबर 5×10^-8 सेमी और एन ए बराबर 6.023×10^23 ये हो गया। अब इसका हम घनत्व निकाल लेते हैं और रो या
घनत्व बराबर क्या है? तो जेड का मान 4 गुणे यम का मान 5 गुणे 10 घाते -8 पावर 3 गुणे एन ए 6.02 3 गुणे 10 घाते 23, ये इसका मान आ गया है। अब इसके बाद इसको हम लोग इसमें अब इसको आगे करते हैं, तो 4 गुणे 239 बटे 125 गुणे 8 24 गुणे 6.02 3 गुणे 10 घाते 23, इतना आएगा ये मान। इसके बाद इसका पूरा कैलकुलेट हम लोग करेंगे, बराबर आ जाएगा 12.69 ग्राम प्रति सेमी। क्या था? ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ये इसका आंसर आता है। ठीक, हाँ बच्चों, तो इस प्रकार देखते हैं, जैसे लेड सल्फाइड हमें यहाँ पे घनत्व निकालना है, तो घनत्व के लिए सूत्र आपका ये है। तो इसके लिए जेड का मान रखते हैं, जेड का मान कणों की संख्याओं को प्रदर्शित करता है, जो FCC है, मतलब लेड सल्फाइड जो NaCl प्रकार है, तो NaCl FCC होता है, और FCC में 4 कण होते हैं, तो जेड का मान मिल गया। अणु भार PbS का यहाँ पे दिया है, Pb का 207 परमाणु भार है और S का 32 होता है, दोनों को जोड़ दिया गया है, तो ये आपका आ गया 239। कोर की लंबाई इसमें पहले से दिया हुआ है, 5 गुणे 10 घाते -8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका ये मान रख दिया। और Na का मान 6.0 गुणे 10 घाते 23 होता है, तो इसका मान जब हम लोग इसमें रखते हैं तो आपका लगभग आ जाता है 12.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम लोग घन का इसका घनत्व तो निकालते हैं। अगर ये जेड का मान बाकी रहेगा, मतलब इसमें 1 2 3 4 5, कुल 5 मान है, 5 मानों में से 4 मान दिया रहेगा, एक मान को आपको ज्ञात करना पड़ता है। आगे देखना है संकुलन प्रभाज। तो अब देखना है संकुलन प्रभाज या संकुलन क्षमता या संकुलन घनत्व। संकुलन प्रभाज होता है किसी इकाई सेल में कणों द्वारा घेरा गए आयतन में, जो है कुल आयतन में घेरे गए आयतन की प्रतिशत मात्रा को कहते हैं। मतलब धीरे धीरे, मतलब किसी एकक घन में कुल आयतन में से वह आयतन, कुल आयतन में से वह आयतन जो गोलों द्वारा घेरा जाता है, उसको गोलों द्वारा घेरे गए आयतन का प्रतिशत मात्रा को कहते हैं संकुलन प्रभाव या संकुल प्रभाव या संकुल दक्षता या संकुलन दक्षता कहते हैं। मतलब प्रतिशत मात्रा में हो कुल आयतन में से वह आयतन, और इसमें कणों की संख्या जिसकी जितनी अधिक होगी उसमें उसका संकुलन प्रभाव या संकुलन दक्षता जो है उतना ही अधिक रहेगा प्रतिशत मात्रा में। क्योंकि SC में, साधारण सेल में, जो साधारण सेल होता है, साधारण घनी सेल में कण जो होता है एक ठो होता है, और जिसे SCC कहते हैं, और काय केंद्रित में, काय केंद्रित घन में आपका BCC होता है, BCC में 2 कण होते हैं, और
फलक केंद्रित में, फलक केंद्रित घनी में एफ सी सी में आपका चार होता है। तो जितने भी कणों की संख्या जितनी अधिक रहेगी उसका संकुलन क्षमता उतना ही अधिक होता है। या जैसे हम सब कह सकते हैं कोई कमरा है और कमरे में कोई पदार्थ रखा हुआ है, तो उस पदार्थ का कुल आयतन बटे और उस कमरे के आयतन के आयतन गुणे 100 कर दोगे। मतलब कमरा है, मान लो ये कोई कमरा है, अब इस कमरे में दो पदार्थ रखे हुए हैं, ये सब पदार्थ रहे, गोला है, तो इसका आयतन इन चारों गोलों का आयतन तथा इस कमरे के आयतन के अनुपात को अनुपात में 100 का गुणा करोगे तो वह आ जाता है प्रतिशत मात्रा में। इसी को कहते हैं, मतलब किसी एकक सेल में, ये किसी एकक सेल में के कणों की संख्या, कणों की का आयतन कर सकते हैं, कणों का आयतन तथा उस घन के आयतन के अनुपात प्रतिशत मात्रा में हो। अगर अनुपात में प्रतिशत मात्रा है 100 का गुणा कर दिया जाए तो वह संकुलन क्षमता कहा जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी कण में, किसी घनी सेल में, घनी सेल के कुल आयतन में से वह आयतन जो कणों द्वारा घेरा जाता है, कणों द्वारा घेरे गए आयतन का प्रतिशत मात्रा में जो मान होता है उसी को कहते हैं हम संकुलन प्रभाज या संकुलन घनत्व। अब इसमें संकुलन प्रभाज के लिए एकक सेल का आयतन निकालते हैं और फिर एकक सेल का आयतन मतलब एकक गोलों की संख्या गुणे एक गोले का आयतन बटे एकक सेल का कुल आयतन निकाल देते हैं और गुणे 100 करते हैं। मतलब संकुलन प्रभाज जो होगा, कितना गोला जैसे इसमें है एक गोले का आयतन निकालेंगे, इसमें जो है अगर ये निकालना होगा दो गोले का आयतन निकालेंगे, इसमें जो है चार गोले का आयतन निकालते हैं। तो इस प्रकार हम लोग संकुलन प्रभाज को देखते हैं। हाँ, जो तो ये है आपका सरल घनी एकक सेल में संकुलन क्षमता देख रहे हैं। तो इस प्रकार ये आठों कोनों पर एक एक परमाणु होता है, एक एक परमाणु का 1/8 भाग होता है। तो सरल घनी एकक सेल में प्रति परमाणु, प्रति सेल जो होता है एक परमाणु होता है, एक परमाणु या अणु होता है, एक परमाणु होता है। तो इसमें संकुलन क्षमता जो होता है, संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, गोले का आयतन, गोलू गोले का आयतन बटे एक एक सेल का आयतन होता है। तो इसमें माना कोर की लंबाई जो होती है, कोर की लंबाई बराबर ए है और इसमें माना गया है ए बराबर जो होता है 2R होता है। तो इसमें सबसे पहले गोले का आयतन निकाल दें, अगर गोले का आयतन तो गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³ होगा, क्योंकि एक ही गोले का होगा। या ऐसे कह सकते हैं एक गोले का आयतन, क्योंकि इसमें एक ही रहेगा, एक कण है, जब सीसी है तो जब सीसी में एक ही कण होता है या एक गोला रहेगा। ये हो गया आपका गोले का आयतन। अब घन का आयतन निकाल दें, घन का आयतन बराबर a³ होगा, तो a बराबर होता है 2R है, तो 2R³ हो जाएगा, या इसको 2 × 2 = 4 × 8 हो जाएगा, 8R³। इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको। ये तो इसका मान आ गया। अब हम इसको, इसका मान इसका और इसका इसमें रख देते हैं, तो संकुलन 2/100 कर देंगे आगे जाके, संकुलन क्षमता बराबर गोले का आयतन, एक गोले का आयतन रखना है, 4/3 πr³/8R³, या इसको ले सकते हैं 4 नीचे चला आएगा, 4×πr³/8R³
आर क्यूब आर बटे गुणे तीन, गुणे तीन हो जाएगा, या इसको चार और चार कैंसिल हो जाएगा और चार दूनी आठ हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं पाई बटे तीन दूनी छ, पाई बटे तीन दूनी छ, जब हम पाई बटे तीन दूनी छ लिखते हैं तो मतलब 3.14, लगभग पाई का मान होता है 3.14/6 कर देंगे, पाई 3.14/6 करेंगे तो 0.5, मतलब 0.52, ये आ जाएगा आपका, ये मान आ जाता है, 5 2 6 नहीं ये 4 होगा। तो आगे हम चल के इसको 100 का गुणा कर देते हैं, बराबर 52, हाँ तो इसमें अगर हम 100 का गुणा कर देंगे 0.524/100, तो ये आपका मिल जाता है 52.4%, मतलब इसका एक सरल घनीय सेल का जो मान आता है वो 52.4, मतलब 52.4%, ये है इसका संकुलन क्षमता। ठीक, अगर आपका 52.4 संकुलन क्षमता है तो खाली स्थान कितना होगा, खाली स्थान या रिक्त स्थान बराबर, तो रिक्त स्थान बराबर हम कर सकते हैं 100 - 52.4, तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 8, 47.6%, 6 4 10 हो जाएगा, कहाँ से लगेगा, 7 2 9 1 0 8 1, 5 1 4 1 9, 5 4 9 1 0, ठीक, मतलब इतना, मतलब 52.4% भाग और 47.6% भाग ये रिक्त रहेगा और ये यहाँ पे कण रहेंगे। तो ये था सरल घनी सेल में संकुलन क्षमता, इसमें सीधे सीधे मान कितना है, ये अत्यंत तो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपका संकुलन क्षमता को प्रदर्शित करता है। ये इतना बराबर ए होता है, और या तो इतना बराबर 2R कर सकते हैं, ए बराबर 2R, ए बराबर कोर हो जाता है और R बराबर जो होता है वो त्रिज्या होता है। तो सरल सरल घनी सेल में संकुलन क्षमता जो होगा वो आपका सरल घनी सेल में एकक से प्रति घनी एकक सेल प्रति सेल एक परमाणु होता है, मतलब एक सेल में एक परमाणु होता है। तो संकुलन क्षमता बराबर एक गोले का आयतन बटे घन का आयतन गुणे 100 करेंगे, तो गोले का आयतन जो होगा 4/3 πr³ होगा और घन का आयतन a³ होता है, मतलब कोर गुणे कोर पावर 3 होता है। तो a बराबर 2r³ हो जाएगा, तो 2 2 4 2 8, 8³ हो, 8 r³ हो जाएगा। तो संकुलन क्षमता का इसमें मान रख देते हैं 4/3 πr³/8r² इसको काटते हैं, काटने के बाद पाई आर थ्री आता है, पाई का मान 3.41 होता है, बटे 6 कर देते हैं तो 0.524 आता है, और इसमें 100 का गुणा करते हैं तो 52.4% आ जाता है। सरल घनी सेल में संकुलन क्षमता जो होता है 52.3% आता है लगभग, ठीक है, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो आपका 52.3% आएगा, जबकि उसमें पीछे दिखा दिया गया है आपको, उसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, 4 है तो 4 नहीं होता है, जब हम 3.14 में गुणा करते हैं 6 का, तो 6 5 30 हो जाता है, एक बचेगा, 4 उतार लेते हैं, 6 2 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, और उसके बाद 6 3 18, 18 फिर ऐसे ही चलता चला जाएगा, तो इसमें
52, इसमें आपका 100 का गुणा कर देते हैं तो ये आपका आ जाता है 52.3%। तो रिक्त स्थान जो होगा वो आपका, रिक्त स्थान जो होगा वो लगभग 47.7% आता है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा।